हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा टेली ब्लॉग्स में आप सबका दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये है 8 तारीख का बना हुआ ही वीडियो जो कि मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी, और उस दिन था हनुमान जयंती तो किसी कारण से पोस्ट नहीं कर पाई थी, तो आज मैं कर रही हूँ। और ये है गुलाब जामुन सूजी का। तो आ गई हूँ किचन में और आज है हनुमान जयंती, तो कुछ मीठा खाने का मन किया कि चले कुछ मीठा बनाए। जैसे पूर्णिमा को हम लोग बनाते हैं कुछ मीठा, कुछ भी हो, हलवा हो, खीर हो या कोई भी चीज तो जरूर बनाते हैं पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा भी है कुछ देर के लिए ही सही, पर पूर्णिमा भी था आज और हनुमान जयंती भी है, तो दोहरी खुशी मुंह मीठा करने का। तो आ गई हूँ किचन में और बनाने जा रही हूँ मैं आज सूजी का गुलाब जामुन। तो ये सूजी मेरे होली के समय का ही है, तो मैं बनाई थी पुआ हुआ कुछ और जो रह गया था 2 पैकेट ली थी, तो उसी से मैं बनाऊंगी गुलाब जामुन। और फिर तो खुल ही रही है अभी इतने अच्छे से, तो जो है घर में उसी से बनाएंगे। तो पहले इसकी तैयारी मैं कर लेती हूँ। तो इस गुलाब जामुन के लिए ले रही हूँ मैं सूजी, इस कप से ले रही हूँ। और ये जो सूजी है ये मोटा है, तो इसको मैं पहले पीस ले रही हूँ, हल्का सा पतला मैं कर ले रही हूँ इसको। पाउडर, इसका पाउडर इस तरह से तैयार हो गया है, तो डाल दे रही हूँ इस प्लेट में। तो कढ़ाई गर्म हो गया है, तो मैं डाल दे रही हूँ 1 चम्मच घी, और इसी के साथ डाल दे रही हूँ इस सूजी को भी। तो यहाँ पे गैस को सिम करके मैं 2 से 3 मिनट के लिए सूजी को भून ली थी चलाते हुए। तो ये भून चुका है, तो इसमें डाल दे रही हूँ मैं दूध, और इसी कप से मैं ली थी 1 कप सूजी, तो इसे डालूंगी मैं 1.5 कप के करीब दूध। पहले मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ ताकि कोई गुठली ना रहे इसमें। तो इतना मैं डाल दे रही हूँ दूध, और का हो गया है तो उतार देती हूँ मैं और रख देती हूँ इसको ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे चढ़ा दे रही हूँ मैं चाशनी के लिए, तो इसी कप से मैं ले रही हूँ ये 1.25 कप चीनी, और इसी कप से मैं डाल दे रही हूँ पानी, इसमें डाल दे रही हूँ 1.5 कप के करीब पानी। और इस मिश्रण को मैं निकाल दे रही हूँ इस प्लेट में। यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ इतना चीनी इसमें, और चीनी डाल करके डालूंगी इलायची पाउडर। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ पहले, हल्की सी ठंडी हो गई है ये, तो डाल दे रही हूँ मैं इलायची। और ये इलायची का पाउडर जो बचा हुआ है सो इसमें भी मैं डाल दे रही हूँ। तो चाशनी को पकते हुए 5 मिनट हो गया है और ये थोड़ी थोड़ी सी चिपचिपी हो गई है, तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ नींबू। ये घी हाथ में लेकर के, और ये बड़े थाली में मैं रख ले रही हूँ, उसके अच्छे से मसल ले रही हूँ, मसल करके चिकना एक डो तैयार कर ले रही हूँ।
और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ मीठा सोडा खाने वाला हाफ चुटकी। और इतने अच्छा से मैंने मसला है कि ये देखिए कितना चिकना चिकना सा। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि आप पहले ये बताइए कि आप अपने आप को स्लिम ट्रिम कैसे रखती हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और कमेंट ही नहीं, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भी लोग, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो कि बोलते हैं कि आप ऐसा क्या अपने डाइट में लेती हैं जिसके कारण आप इतना स्लिम ट्रिम हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों से मुझे लोग देख रहे हैं तो इसी तरह से ही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि कैसा सॉफ्ट गुलाब जामुन तैयार हुआ है, और सच में बहुत ही टेस्टी लग रहा था और बहुत ही सॉफ्ट हुआ था सूजी का गुलाब जामुन। तो इसे आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।